बाबा खान की वो नोट कर लो अभी सारे दुकानदार जिन्होंने सड़क पे लगा रखा सबके नाम नोट कर लो। आप कैसे हैं? नगर निगम से। आज अगर 20 लाख जुर्माना नहीं बदला आपने हर दुकानी सड़क पर आप इससे ज्यादा जुर्माना ले सकते हैं। पॉलीथिन डालते हैं नाली में डालते हैं ये नाली पॉलीथिन यूज कर रहे हैं नाली के ऊपर कब्जा ये देख लें कोई ना कोई यूज कर रहा है तमाम खाली पॉलीथिन वाले हैं है ना आपको वोट दे रहे हैं नगर निगम से आज शाम तक कार्रवाई होगी और भयंकर जितना मतलब ये तो अति है कि लोगों को पैदल चलने के लिए भी जगह नहीं है जितना जुर्माना कर सकते करें। अगला स्टेप FIR है आज बता दीजिए आज जुर्माना है 5,000 से नीचे कोई नहीं लगेगा 50,000 तक लगेंगे कई बड़े बड़े शोरूम में पूरा बाल लगा रखा है वो नोट कराए हैं है ना अभी आपको पूरी लिस्ट दे रहे हैं ठीक है। अदर देन दिस जितने भी हैं जिनके रत्ती पर फर्क नहीं पड़ रहा मतलब हम कह रहे हैं हाँ हटा लेंगे कोई नहीं हटाएगा ठीक है जब तक जुर्माना नहीं लगेंगे कोई कार्रवाई होनी है कायदे की कार्रवाई ठीक है इनको पर्याप्त छोड़ दीजिए। किस तरह का अभियान चलाया गया और नगर को साफ सुथरा और अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए किस तरह अभियान चलाया गया? पिछले 2 सप्ताह से लगातार ऐसी जगह जहां बहुत ज़्यादा जाम है या शिकायत है कि पॉलीथिन यूज़ हो रही है या प्लास्टिक ग्लासेस यूज़ हो रहे हैं या लोग कचरा फेंक देते हैं दुकान के सामने या सड़क पर दुकान लगा रहे हैं और अतिक्रमण कर रहे हैं तो ऐसे लोगों के विरुद्ध 4 टीमें हमारी साथ रहती हैं परिवहन विभाग रहता है नगर निगम पुलिस प्रशासनिक अधिकारीगण और ऐसे लोगों पर लगातार जुर्माना कर रहे हैं। इसके अलावा जो लोग अवैध रूप से पटाखा बेच रहे हैं रख रहे हैं या बना रहे हैं इन पे भी आज जो है लगातार छापेमारी हो रही है। एक जगह मिला है कि माननीय उच्च न्यायालय का स्टे है लेकिन उसमें जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसका वायलेशन मिला है तो उसको नोटिस दे के अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में SDM भी इनकी ताबड़तोड़ छापे मार रहे हैं।